किसका लड़का? एमडी सर का। एमडी सर ने डिस्काउंट तो 1 रुपए नहीं दिया। ये देखो भाई क्या सुंदर ब्रिज है, सबसे बढ़िया लग रहा, जो ऊपर मोर का पंख बना हुआ है ना। इसे मुर्गे की तरह ग्लव्स क्यों लटकाए हुए तूने? अच्छा गर्मी लग रही है। जर्मनी जर्मनी जर्मनी। और यहाँ पर क्या होता है ना, हर साल हनुमान जी की मूर्ति थोड़ी सी अंदर जाती है और मकर ध्वज जी की थोड़ी सी जमीन से बाहर आती है। मद्देनजर रखते हुए सीट पे रखिए बड़ा। ये देखो धुआं निकल रहा है सीट से, इतनी गर्म थी। पर्स ले आया और ये पर्स मार लेके, मार के क्यों ले आया पर्स किसी का? यहाँ पर तो बहुत कुछ है, बनाना राइड भी है, ये पता नहीं कौन सी हेलीकॉप्टर राइड है, ATV है। हमारा रूल है इस राइड पे हर 20 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेना, डेढ़ घंटे का। बाइक चल चुकी है 850 किलोमीटर और अगर अपने को यहाँ से दिल्ली चला के लेके जानी है जो कि है करीबन 1300 किलोमीटर 1300-1400, तो अपने को यही सर्विस करवानी पड़ेगी। तो भाई टाइम सुबह के 11:33, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये देखो यहाँ चल रही है पैकिंग जोरों शोरों से। ये जो हमारा बैग है ना भाई, ये बहुत खतरनाक हो गया इस बार ही ना, मतलब ये हमारा टास्क है, आधा घंटा जो इसको पैक करने में लगता है ना भाई, ये सारा सामान निकालो, सारा पैक करो, दूसरे दिन भूल जाता है कि क्या क्या पैक किया था। तो ये हमारे लिए बहुत तगड़ा टास्क बन गया, रोज शाम को इसको खोलो और इसको पैक करो, और खोले बिना काम भी नहीं बनता। सारे कपड़े इसमें है, सब कुछ इसके अंदर, सैनिटरी बैग वगैरह सब इसमें है, तो खोलना ही तो पड़ता है। बाकी आज के दिन की शुरुआत हमने करी है द्वारकाधीश से, आज हम जा रहे हैं जामनगर जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर, लेकिन पहले अपने को एक डी रूट लेना है। भाई हम कहाँ जा रहे हैं डी रूट लेने के लिए? पहले हम जा रहे हैं यहाँ से बेट द्वारिका। ओरिजिनल किशन जी का द्वारकाधीश का घर है। ओके, जो ओरिजिनल मंदिर है, जो ओरिजिनल घर है, पहले वहां जा रहे हैं देखने के लिए। 50 किलोमीटर जाएंगे, 50 किलोमीटर वापसी आएंगे, फिर 150 किलोमीटर जामनगर जाएंगे और हो सकता है कल दिल्ली निकल जाएंगे। देख रहे हैं प्लान ना, थोड़ा झोलमोल चल रहा है, कैसे करें कैसे ना करें, जैसे जैसे अपने को फाइनल होगा वैसे वैसे आपको बता देंगे। अभी रेडी होते हैं, हमारे में एक बंदा सिर्फ पूरा रेडी बैठा ही है, देखो पूरे राइडिंग गियर पहन के। हालांकि मैंने भी राइडिंग पैंट पहन लिए, शूज भी रेडी है, राइडिंग जैकेट भी यहीं कहीं रेडी होगी, ये अलमारी में रेडी है। तो भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, देखें जरा क्या क्या आया है इसमें। ओके, पनीर के पकोड़े हैं तले हुए एकदम, अच्छा यहाँ भी पनीर के पकौड़े। ओहो हो, अरे पराठों में तेल क्यों लग रहा है मेरे को। चलो बहुत सारा सामान मंगा लिया, सारे भाई लोगों को बुलाते और खाते हैं। ओ आ जाओ भाई, आ जाओ, ब्रेकफास्ट आ गया, आ जाओ, चलो चलो दूसरे कमरे में भी जाऊँगा बुलाने। और एक कमरा हमारा ये वाला भी है, सामने वाला। ओ आ जाओ भाई, ब्रेकफास्ट आ गया, उसको देखो, इसको देखो। आ जाओ भाई, ब्रेकफास्ट आ गया, आ जाओ फटाफट से गोली की तरह। एक 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 ओए 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 क्या कर रहे हो? ओए फिर से बस पता क्यों हुए? ओए चलो तुम लोग करो भाइयों, तुम लोग करो एंजॉय। हां चल ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया? चलो उठो यार, उठो, इतनी नींद नहीं पूरी हो रही यार। चलो भाई प्लेटें हो गए सारे रेडी, सब भगवान से प्रे करेंगे आज हमें ऐसा खाना खिला रहा है भाइयों के साथ बैठ के, आगे भी कराए हाथ ऊपर एक एक, ये भगवान के लिए। अबे ये क्या है? भगवान है ना। चलो ठीक है, 4 पकोड़े, 2 बटर की टिक्की, 1 पराठा। चलो मेरे भाइयों, चलो तैयार हो सर्दी झेलने के लिए। बाहर हो रहा है भाई -11 -13, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने ना मोटे मोटे कपड़े पहन लिए हैं। तगड़ी ठंड है गुजरात में ना, पहली बार पड़ी है इतनी ठंड, मजा आने वाला राइड में। लोग तो बाहर की तरफ जाते हैं बाइक चलाने के लिए, हम किचन में घुस रहे हैं इनकी। किचन से पीछे का रास्ता है, बाहर से नहीं जा रहे, बाहर गर्मी है। हाँ आ जाओ, आ जाओ सेल्फी बाहर लेते हैं, आ जाओ। भाई ओ भाई, ये किसको आवाज मार रहे हैं? एमडी सर का लड़का आ रहा है। किसका लड़का आ रहा है? एमडी सर का। सर ने डिस्काउंट तो 1 रुपए नहीं दिया। तो यहाँ अपनी सारी बाइक रेडी हो रही है, बाइक पे टॉप बॉक्स लगा दिया, हेलमेट रेडी है, वार्म अप करेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। रेडी भाई, रेडी, फुल रेडी। लो जी लो, अपने पास ना इनो की च्यूई बाइट्स भी पड़ी हुई है, इनको ना पॉकेट में डाल लेता हूँ क्योंकि रास्ता लंबा है, कहीं ढाबे पे खाना वाना खाएं एसिडिटी हो जाए, सीधा जेब से निकाली खा ली। चलो भैया पॉकेट में डाल ली मैंने। चले भाई रेडी, लेट्स गो। क्या बात है, मैंने तो चाबी नहीं लगाई। हमने किसी वीडियो में अपने होटल की लोकेशन वगैरह नहीं शेयर करी थी, लेकिन अपनी फैमिली है ना कहीं से ढूंढ ही लेती है,
तो अभी हम एक डी रूट मारने वाले हैं, 50 किलोमीटर उधर जाएंगे। अरे मेरा फोन तेरे पास रह गया। 50 किलोमीटर उधर जाएंगे, 50 किलोमीटर वापसी आएंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे वहाँ जामनगर। चलो भाई चलो, सारे काम कंप्लीट, बस एक पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल अपने में हाफ टैंक से कम है, इसमें दिखाता है कितने किलोमीटर चलेगी। 64 मैंने ढूंढ लिया था, पहले मेरे को नहीं पता था, 64 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन 30-40 किलोमीटर में पेट्रोल पंप में डलवाते जाएंगे। चलो बाय बाय। हाँ पक्का पक्का पक्का। लो जी लो, निकल गए अपनी मंजिल की ओर। अरे पेट्रोल पंप उस साइड है, कोई नहीं आगे भी आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे कोई। बाइक पे बैठते हैं ना एकदम से, कहते हैं ना पूरी एनर्जी वापसी आती है, सुबह लो लो सा फील होता है यार, इतनी गर्मी बाइक चलानी है, ये है वो है। लेकिन मेरे को पता था जैसी बाइक पे बैठूंगा ना, कोई हाई कर रहा था ऑटो में से, लेकिन मेरे को ये पता था जैसी बाइक पे बैठूंगा ना सारी एनर्जी वापसी आ जाएगी। फुल टू मजा आ रहा है। टेम्परेचर बताऊं 35 डिग्री हो रहा अभी यहां पर ना, कल से कम है, कल 40-42 हो गया था, हो सकता है बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो सुबह के नहीं नहीं सुबह के नहीं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ये देखो गाड़ी वाले ने भाई साहब 20 की स्पीड में चला रहा है बीच में। लो जी लो, अभी हम घूम रहे हैं मेन द्वारका शहर में, सारे टूरिस्ट हैं, कोई बाहर लंच करने जा रहा है, कोई ब्रेकफास्ट वाला, जिसका ब्रेकफास्ट नहीं हो ब्रेकफास्ट जो लंच करने जा रहा है वो लंच। और ये देखो रात को भी ये दरवाजा दिखाया था, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ बोर्ड लगा है शिवराजपुर 12 किलोमीटर, ओखा 32 और द्वारका 33। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था ओखा मतलब हमारे पंजाबी में परेशान होना। नाव की पार्किंग है ये, नाव ही नाव खड़ी है भाई, नाव ही नाव दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है ना, पार्किंग होगी ये नाव की, जैसे बाइकों की पार्किंग होती है गाड़ियों की पार्किंग होती है, नाव की पार्किंग है ये। तो यहाँ रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए, लेकिन एक छोटी सी चोट हो गई है। लो भाई आमिर को फिर से एसिडिटी हो गई है, इसको मैंने बोला भी था कम मक्खन खा, भाई साहब दबा के मक्खन दबा के पकौड़े हो गए ना दोबारा एसिडिटी। अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ दे दो, खट्टे डकार चढ़ रहे भाई। यहाँ पे एसिडिटी हुआ या दिल टूट गया सही? मेरे को तो लग रहा है इसका दिल टूट गया भाई। दिल तो नहीं टूटा सही में ना? अगर आपको याद होगा ना सूरत से सासन गिर जा रहे थे, हमारे को ना एसिडिटी हो गई थी, तो केमिस्ट से मैंने इनों की चुई बाइट्स ली थी, मेरे को इतनी बढ़िया लगी थी ना, मैंने बड़ी सारी लेके ना अपने पॉकेट में डाल ली थी। ले भाई चूज कर ले कौन सी खानी है। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा दागा चोर निकल के भागा। भाई साहब उठानी इसको लेमन वाली थी, अकड़ बकड़ तो सिर्फ ड्रामा था, मतलब चूज कर ले इसको लेमन वाली थी। मैंने उस टाइम भी लेमन ही खाई। चल सही है, कुछ नहीं करना है, इसको खोल और चबा जा। कैसे हो है? कहाँ रहते हो? पहचाना मेरे को? नहीं पहचाना? अरे आपके बचपन का दोस्त हूँ। लो भाई आराम आ चुका है भाई, कसम से कह रहा हूँ ये तो मस्त गोली है, अब मैं हर ट्रिप पे ना इसको हमेशा साथ रखूंगा, है ना बढ़िया चीज एक नंबर। देखो भाई कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो ना, भले ही गाड़ी पे हो भले ही बाइक पर हो, खाना हर जगह बढ़िया नहीं मिलता, इसको साथ में रख लो, कोई भी दिक्कत हो बस इसको चबाओ और एकदम मस्त आराम। तो भाई आप भी इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में ना अपना फीडबैक देना आपको कैसी लगी। लो जी लो, पहले करवाएंगे रिफ्यूल, आगे पता नहीं पेट्रोल पंप मिले ना मिले, मिलेगा तो सही वैसे हर जगह है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। XP95 दिख रहा है मेरे को लिखा हुआ, अब सोच रहा हूँ डलवाऊँ ना डलवाऊँ, दो दिन से तो इसको नॉर्मली डलवा रहा हूँ, अब पता चले पावर की आदत डाल दी फिर नॉर्मल हजम ही ना हो मेरी बाइक को फिर। ठीक है भाई जी देख लिया जीरो, तो मैंने पावर ही डलवा दिया, पावर डलवाने से थोड़ी पावर ही बढ़ेगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं। सही है भाई, यहाँ भी अपनी फैमिली मिल गई। चलो और सब बढ़िया। ये मुर्गे की तरह ग्लव्स क्यों लटकाए हुए तूने? अच्छा गर्मी लग रही है, गर्मी तो भाई बहुत है, तगड़ी गर्मी है तगड़ी। अब पेट्रोल पंप पे रुके ना 10 मिनट के लिए, ऐसी हालत हो गई पूछो मत, जब तक चल रहे तब तक ठीक है। ऑटो वाले भैया अपनी वीडियो बनाते हुए। क्या बात है, सुंदर नज़ारा। जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो ना आपको बीच में ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। ओ भाई सामने फैक्ट्री दिख रहा है कितनी बड़ी है, पता नहीं क्या ही बनता होगा इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। वो देखो सामने एक दो, गुजरात में अच्छी खासी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भाई, अच्छी खासी बड़ी बड़ी। ये लिखा टाटा केमिकल लिमिटेड, कुछ केमिकल बनते होंगे यहाँ पर। देखो ये खूबसूरत मंदिर ही बना हुआ है रोड के बीच में। सही है, ये सारे फैक्ट्री के बंदे होंगे जितने टोपी पहन के घूम रहे हैं ना, टोपी से धूप का भी बचाव हो जाता है ना।
अभी इससे पहले जो मैंने आपको पार्किंग दिखाई थी वो तो खाली पार्किंग थी, ये पूरी नगरी है, शहर बसा हुआ भाई यहाँ तो, शहर। नाव ही नाव भाई, बड़ी बड़ी नाव, छोटी नाव, क्या बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन इनमें से किसी को अपनी नाव निकालनी है, मेरे बीच वाली नाव मेरे को निकालनी, मैं कैसे निकालूंगा? हो तो हुआ कुछ ना कुछ तरीका होता होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं निकाली जाती होगी, या हो सकता है ये सारी नाव बेकार हो गई है इसलिए यहाँ खड़ी है, मुझे नहीं पता भाई, किसी को आईडिया हो तो बता। ओ भाई पीछे और लंबी लाइन है, बाप रे बाप, मजा आ गया भाई देख के ना। ये देखो भाई, ये देखो, ये जितने झंडे लगे हुए हैं ना दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये नाव नाव है, पिक्चरों वाला सीन लग रहा है, पिक्चरों में देखते हैं ऐसे सीन ना, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर हम आ चुके हैं, नाव खत्म ही नहीं हो रही, लाइन में है लाइन में। लो जी पहुंच गए हम बेट द्वारका, किलोमीटर ही लिखा हुआ ओखा पोर्ट। अब आपको दिखाने वाले एक बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन ब्रिज जो कि ये रहा सामने। इस ब्रिज का नाम तो बताया था, क्या बताया था भाई, सेतु सेतु करके कुछ था, मैं भूल गया। और इस ब्रिज के ऊपर ना मोर का पंख बना हुआ है बड़ा प्यारा, पता नहीं गोप्रो में नजर आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत बंदे ने इस ब्रिज के बीच में बाइक लगा के फोटो खींचते हैं लेकिन हम नहीं खींच पाएंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक ज्यादा है। ये देखो भाई क्या सुंदर ब्रिज है, सबसे बढ़िया लग रहा है, जो ऊपर मोर का पंख बना हुआ है ना, एक नंबर, अति सुंदर। यही लगाते हैं, फोटो खींचने की तैयारी करते हैं। कैसे हो? कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो? गुजरात से ही है। गुजरात से? इस ब्रिज, अच्छा देखा था मंदिर में, सही है। कैसे हैं आप? ठीक है यहाँ, श्योर श्योर। इस ब्रिज को क्या कहते हैं? इस ब्रिज को क्या कहते हैं? सुदर्शन सेतु। हाँ हाँ हाँ, ओके, सुदर्शन सेतु ब्रिज। कैसे भाई, ठीक है? एकदम बढ़िया, अरे सही है। तो अभी मैं आपको सीन बताऊं, पहले क्या है ना, वो वहाँ पर टापू देख रहे हो, दिखाता हूँ, वो सामने सारा बेट द्वारिका है जो कृष्ण जी का घर माना जाता है। पहले ये पुल नहीं था, ये इसी फरवरी में चालू हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ अभी, मतलब 3-4 महीने ही हुए हैं। तो वहाँ से बोट लेते थे सारे के सारे बंदे और वहाँ जाते थे, बोट में जाना पड़ता था वहाँ। लेकिन एक साल पहले ये ब्रिज बनाना शुरू हुआ, अभी फरवरी में इसका लॉन्च हुआ और आज हम उस पर खड़े हुए हैं। और हमने क्या किया है ना, अपनी दासू दासू से फ़ोटो क्लिक कर ली है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार, मतलब देख के दिल खुश होने वाली चीज़ होती है ना, ये वो है कि हाँ भाई, सालों से, मतलब हजारों सालों से लोग बोट लेके यहाँ से वहाँ जाते थे, लेकिन अभी ये ब्रिज बन गया, अभी इस ब्रिज के थ्रू जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, फ़ोटो क्लिक करा रही हैं। जो बंदा वहाँ पर आता है द्वारिका, यहाँ पर आता है इस पुल को देखने के लिए, स्पेशल इस ब्रिज को देखने के लिए हम भी आए हैं। अभी 5 मिनट और यहाँ स्पेंड करेंगे, फोटो वोटो क्लिक करेंगे थोड़ी और, फिर उसके बाद जाएंगे बेट द्वारिका आगे। दीदी जी कह रहे हैं सेलिब्रिटी बन गए हो, मतलब मैं कहूँ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी तो आप हो। सिंगल सिंगल कैसे ऐसे? सबका अलग अलग स्टाइल होता है ना, मजा आता है उनका स्टाइल कॉपी करने में। मेरा ये है, उनका ये है, एक का ये है, विक्ट्री है। लो भैया विक्ट्री भी ले लो। चलो भाई बढ़िया है यार, अच्छा लगता है, जहाँ रुकते ना सारे अपने फैमिली मिलती है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बाय बाय। अच्छा लगा, बहुत बड़ी फैमिली थी, अरे तो पेट्रोल पंप वाली फैमिली है। बाय बाय। चलो जी अब देख लो इसको गौर से, क्या सुंदर लग रहा है ये ब्रिज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक चीज और बताऊं, आगे एक मंदिर है हनुमान जी का, पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है ऐसा हनुमान जी का जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है हनुमान जी के बेटे के साथ। अब आप लोग सोचोगे हनुमान जी की तो शादी हुई नहीं थी, लेकिन जिन्होंने पुरानी कहानियां सुनी है, सच्ची कहानियां, उनको पता होगा। बाय 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 बाय, उनको पता होगा हनुमान जी के पसीने की बूंद गिरी थी उससे जो उनका बच्चा हुआ था, उसकी फोटो साथ में यहाँ पर है, मतलब मूर्ति बनाई है प्रॉपर। पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है जो कि यहाँ पर है, तो देखते हैं अगर ज्यादा संगत नहीं होगी तो दर्शन करेंगे, अगर ज्यादा होगी तो अपने को बहुत दूर जाना है, वापसी 50 किलोमीटर, उसके बाद 150 किलोमीटर और अंधेरा हो जाएगा। नहीं होगी ज्यादा संगत तो दर्शन करते हुए चलेंगे, आपको भी कराएंगे। हनुमान डांडी टेम्पल लेफ्ट ही दिखा रहा है, वेलकम टू बेट द्वारका। हनुमान डांडी टेम्पल जाना है,
अच्छा रास्ता पूछ रहे थे, ओके ओके। तो अपने को रास्ते का यहाँ पर ज़्यादा आइडिया नहीं है ना, गूगल मैप भी लगा नहीं रखा। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर, किसी से पूछ लो रास्ता बता देते हैं, चले जाओ। तो यहाँ सारी अपनी बाइक रोकी थी, एक भूसा और आ गई है भाई की, और यहाँ से ना अपने को 5-6 किलोमीटर ही जाना है, तो हम सोचे बाइक यहीं छोड़ दे, ऑटो करके चले जाए, क्योंकि बाइक लेके जाएंगे हेलमेट पहनेंगे राइडिंग गियर पहनेंगे और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ऑटो में जाएंगे ना खुली हवा लगेगी, फटाफट से मंदिर के दर्शन करके आ जाएंगे, फिर बाइक लेके सीधा जामनगर। सामान गाड़ी में रख रहे हो, यहीं छोड़ दो? नहीं यार गर्म हो जाएगा सब अंदर। हाँ, गर्म तो हो जाए, गाड़ी में रख देते, गाड़ी में रख देते सारा। चलो भाई सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, मैं आगे बैठ गया भैया को रास्ता बताने के लिए, भैया रास्ता भूल जाते हैं, है ना भैया? ठीक है, बीच में मेरे को भी दोगे चलाने के लिए थोड़ा सा? तो कह रहे चलाओ, तुम ही चलाओ, एक आप ले लो एक उनको ले लो, एक आपसे। जर्मनी 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 अबे जर्मनी अबे जर्मनी जर्मनी छोड़ो, जय द्वारकाधीश बोलो, जय द्वारकाधीश। कल्ला कब्जा कर लिया, यहां भी कब्जा कर लिया, यहां भी। रोड इतनी पतली पतली है ना, एक बारी में एक ही ऑटो निकल सकता है, रोड आ गया। जैसे ही ज्यादा गर्मी लगती है ना, पता क्या करो, मुंडी बाहर निकाल लो, बढ़िया हवा लग रही है। लो जी लो पहुंच गए हनुमान डांडी मंदिर, किसने बोला था यहाँ ज्यादा संगत नहीं, आराम से दर्शन हो जाएंगे। सही है, चलो चले अंदर, बस राइडिंग बोर्ड का क्या करेंगे सारे के सारे ये नहीं पता। राइट साइड पे आप देखेंगे वो हनुमान जी है, और लेफ्ट साइड में मकर ध्वज है, और यहाँ पर क्या होता है ना, हर साल हनुमान जी की मूर्ति थोड़ी सी अंदर जाती है और मकर ध्वज जी की थोड़ी सी ज़मीन से बाहर आती है नेचुरली। ये देख रहे हो हनुमान जी की छोटी है और मकर ध्वज जी की बड़ी है। अभी आपको सामने से दिखाता हूँ, साइड में खड़े ना, यहाँ पर संगत है साइड में। ये देखो श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी, और ये देखो यहाँ पर पत्थर है वो तैरता हुआ जिस पर श्री राम लिखा हुआ है, पानी में तैर रहा है वो। चेयर्स भाई, चाय का चेयर्स, यहाँ मेरे को लगता है पूरे गुजरात में इतने कप मिलते हैं, इतने बड़े कप है ही नहीं। लो जी लो निकल के वापसी अपनी मंदिर की ओर, ये मंदिर देख के होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कम है, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है, तो मेरे को लगा दिखाना चाहिए और मुझे भी देखना चाहिए, तो मैंने भी दर्शन करे, आपको भी करा दिए। अभी जा रहे हैं वापसी अपनी बाइकों के पास, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए सीट पे रखिए बर्फ। ये देखो धुआं निकल रहा है सीट से, इतनी गर्म सीट है। अबे ओ चीटिंग। चलो जी यहाँ से निकलने की तैयारी, गोप्रो को हल्का सा सेट कर दो। हाँ ठीक है, और बाइक देखने के लिए बड़े सारे भाई लोग रुक गए थे यहाँ पर। हाँ खींचो खींचो, पुलिस ना भी बताते तब भी खींच लेते, मैं कह रहा हूँ पुलिस ना भी बताते तब भी खींच लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे यार आ जाओ आ जाओ, बस यहीं खड़े होके। तो भाई साहब आए मेरे पास, बता रहे मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर में फोटो खींच लूँ, मैंने बोला पुलिस नहीं भी बताओगे तब भी खींच लो, फोटो खींचने में दिक्कत थोड़ी है, जान बचान मत लगाओ, आओ प्यार मोहब्बत से, जान भी मांग लो जान भी देंगे। चलो जी चलो चलो जी चलो, निकालो निकालो, राइडिंग गियर पहन लिए हैं, तगड़ी गर्मी लग रही है। लो जी लो वापसी पहुंच गए बढ़िया से ब्रिज पे, यहाँ बनाएंगे एक बढ़िया सी रील और उसके बाद गायब हो जाएंगे शाय शाय करते हुए। चलो जी चलो, इस बढ़िया से ब्रिज को बाय बाय करने का टाइम, फिर कभी आएंगे, फिर मिलेंगे, हो सकता है बाइक पर आए, हो सकता है गाड़ी पर आए, जैसे भी आएंगे, बाय 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 सुंदर से ब्रिज। चलो ये सारी बोट्स को भी बाय बाय कर देते हैं, सुंदर सुंदर, मेरे को लग रहा है यहाँ ना बोट बनती है। ये देखो पानी नहीं है, जमीन पे खड़ी हुई सारी की सारी ना ईंटों के ऊपर, शायद मुझे नहीं पता, अगर कोई बंदा यहाँ से वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यहाँ बोट बनती है क्या, सारी ईंटों पे खड़ी है, पानी है ही नहीं। ये देखो अब दिखेगा क्लियर एकदम, ये देख रहे हो नो वाटर। ये देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है, या तो ये बोट पुरानी हो जाती है तब यहाँ आती है, या बनने आती है, या कुछ ना कुछ तो है, अब ये नहीं पता क्या है। किसके ग्लव्स उड़ गए, मेरा कहाँ से उड़ गया?
जेब से कुछ उड़ा है? छाता होगा। क्या बात कर रहा है? समीरन कह रहा है मेरी जेब से कुछ उड़ा है। जेब तो मेरी जेब तो दोनों बंद है। अरे खुला आपका जेब। सही में उड़ा क्या कुछ? हाँ सही में उड़ा। ओके। जेब से मेरे कुछ उड़ा, समीरन ने देखा, उसने मेरे को इंटरकॉम में बताया, आमिर लेकर आ रहा है पता नहीं क्या। और ये देखो फ्लैग, देखो भाई हर बोट पे फ्लैग है, अपना देश का तिरंगा है, हनुमान जी का, राम जी का, और भी दो तीन है, किस किस के ये नहीं पता। यहाँ पानी है। ओ अच्छा ये उड़ा भाई मेरा पटका सर पे बांधने वाला, देखा इंटरकॉम का यही फायदा होता है। और तेरी बाइक का इंडिकेटर फिर लटक गया भाई। ये देखो इसको देखो, अब ड्रामे करके देगा। अबे सबको गर्मी लग रही है। ये देखो ये उड़ गया था भाई, चेन बंद करना भूल गया था जैकेट की। ये इसने भाई अभी वो इनो की गोली खाई है ना, तबीयत इतनी ज्यादा ठीक हो गई है, फुल पावर में आ गया है ये। जब हल्की सी भी एसिडिटी होती है ना बंदा काम नहीं कर पाता। अभी इसको देख लो, लो जी वैसे हमारा रास्ता यहाँ से सीधा आता है, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ से राइट। कहाँ जा रहे हैं? शिवराजपुर बीच देखने। कहते हैं इससे सुंदर बीच पूरे इंडिया में नहीं है, कहते हैं, जो कि उन्होंने कहा मैंने सुना, मैंने आपको बता दिया, अब है नहीं है वो तो वहीं जाके पता लगेगा। वैसे तो बीच पे जाने का टाइम नहीं है, दोपहर के 4:41 हो रहे हैं, तकरीबन धूप है, लेकिन यहाँ तक आए तो देखते जाते हैं यार, दोबारा चक्कर पता नहीं कब लगेगा। रोड सुंदर है लेकिन बताओ, मेन हाईवे छोड़ के हम यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पर ऐसी रोड बना रखी है, अल्टीमेट भाई। डिस्कशन चल रहा है 11 यहाँ पर। भाई मेरे को तो लगा था सिर्फ हम ही यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ तो पूरी दुनिया बसी हुई है, कम से कम 200 से ऊपर गाड़ियाँ हैं, 50-1 बसें भी होंगी, तो तगड़ी भीड़ होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, फिर निकल पड़ेंगे आगे मंजिल की और अपनी। मेरे को गोवा जैसा फील आ रहा है, जैसे गोवा में बीच की तरफ घुसते हैं ना, सेम ऐसा लग रहा है अगर मैं गुजरात ना सोचूं तो ये गोवा ही है। मिट्टी मिट्टी बीच के पास, ओ भाई साहब ये तो गहरी मिट्टी है। हाँ मैं तो ऊपर से जाऊंगा, है ना गहरी मिट्टी है ना, तो हम जा ही क्यों रहे अंदर अगर गहरी मिट्टी है तो। ये गुजरात का सबसे अच्छा बीच है या इंडिया का सबसे अच्छा बीच है, सुंदर माना जाता है? इंडिया का ना। ओके मैंने बोला भाई स्टैंड नीचे धस ना जाए। ये देखो आमिर क्या ये किसका पर्स ले आया, और ये पर्स मार ले, मार के क्यों ले आया पर्स किसी का? ये देखो भाई साहब वो देखो एक चप्पल आ गई है, चप्पल तेरे नहीं, मैं चप्पल लगाऊंगा भाई नीचे। ये ले पर्स तू ले जा, ये आमिर को दे दे भाई, पता नहीं किसका मार के ले आया पर्स। ये देखो भाई भूसा के लिए चप्पल, दूसरी भूसा के लिए बैली है भाई बैली। और विमल भाई देखो भाई जूता लेकर आया स्पेशल नाइकी का, क्या चल रहा है भाई? ये कहां से उठा के, या मंदिर तो नहीं आ गए हैं? इधर देखो जूता चोर, जूता चोर, वो देखो उस पे भी चप्पल है भाई। ये देखो इधर 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 जूते चप्पल लगा रखे हैं, इस पे भी चप्पल है। लगाओ भाई लगाओ भाई, ए तुम सैंडल को लगा रहे हो, जूता लगाओ ना। मेरा चप्पल की रह रही है देखो खाली, आगे सब ने चप्पल लगा दी, ये तो बैलीज लगाई है। एक अपनी 12 बचा था जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पहले ही लगा हुआ है। गाड़ी में डाल दिया ये भाई ने, अपना हेलमेट यहीं छोड़ के जा रहा है, लॉक भी नहीं, आपको दिखा दूं एक बारी। ये देखो भाई कोई लॉक नहीं, ये यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, और भाई कह रहे हैं यहीं रहेगा, जब वापसी होगी चोरी नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात पे यकीन तो नहीं कर रहा, लेकिन आज चेक ही कर लेते हैं, पक्का रहेगा यहीं पर। मेरे को यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप दिल्ली से हो। चलो ठीक है ठीक है, हमारे वहाँ तो बाइक लॉक भी होती है तो बाइक भी ले जाते हैं, ये तो हेलमेट है भाई, और वो भी खुला, कहीं लॉक भी नहीं कर भाई, लॉक होता है ना ब्लेड मारते हैं, गच काट देते हैं, काट के हो चुका है पुलिस स्टेशन के अंदर से, और ये यहाँ बीच के पास छोड़ के जा रहे हैं ऐसे ही। चलो वापसी आके देखेंगे क्या होता है। वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है भाई। लो जी लोग पहुँच गए हम बीच के यहाँ पर, और सामने चल रही है वाटर एक्टिविटीज, आगे जाते हैं फिर एक बार आपको अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पर तो बहुत कुछ है, बनाना राइड भी है, ये पता नहीं कौन सी हेलीकॉप्टर राइड है, एटीवी है,
ऑक्टोपस राइड भी है। वो देख ये पलटाएंगे इसको। जब वहां से हम सुनसान रोड पे घुसे थे ना, मेरे को लगा था हम ही होंगे यहाँ पर, यहाँ तो दुनिया बसी हुई है, गोवा फेल है भाई। मैगी है, भेलपूड़ी है, बहुत कुछ है यहाँ पर, दूर तक दुकानें हैं। मैं तो मैगी खाऊंगा, बड़े दिनों के मैगी नहीं खाई, ये भेलपूड़ी खा रहे हैं सबके सब। ओ भाई वो क्या चीज है, वो तगड़ा वाला कुछ नया ही है। हाँ ये कुछ नया ही है भाई, ये तो मैंने गोवा में भी नहीं देखा। कहना है अपन को? नहीं भाई नहीं, क्यों? मेरे को नहीं जाना, मिनी गोवा में ही है। ये मिनी गोवा में है, सिर्फ ये गरीबी का गोवा है। पहाड़ों वाली मैगी तो बहुत बार खाई है, आज खा रहे बीच वाली मैगी। धूप को मद्देनजर रखते हुए आगे से पीछे आ गया। भेलपूड़ी खा ली एक्चुअली, हल्का सा मसाला लग गया। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, वो ड्रैगन पे देखो भाई 250 बंदे लेके जा रहे हैं, कम से कम इस पे होंगे भाई 275 बंदे। चलो जी यहाँ से जाने की तैयारी, अब यहाँ तक आए हैं, पानी को बिना छुए चले जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो छू लेते हैं एक बारी। जूते तो हमारे वाटर प्रूफ ही हैं। बढ़िया यार, मज़ेदार है फुल टू। और ये देखो अपनी थार भी यहाँ तक ले आए हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पता चले पानी चला जाए अंदर, वैसे जाएगा तो नहीं, टेस्टिंग भी हो जाएगी अच्छी खासी, पूरे जूते पानी में चले गए भाई यहाँ तक। चलो जाने का टाइम, बहुत बढ़िया बीच है, अगली बार आएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। बाय बाय, चलो बाय 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 बाय। लो भाई वापसी पहुंच गए, राइडिंग गियर पहनेंगे, सब तैयार होंगे, निकलेंगे यहाँ से। और ये देखो हेलमेट वहीं का वहीं है, मान गए भाई, मान गए द्वारका को, जो चीज़ छोड़ के गए थे वो वहीं की वहीं पड़ी है। अगली बार इसे मैं भी यही करूँगा, सारे राइडिंग गियर हेलमेट वेलमेट बाइक पे छोड़ जाऊँगा, अब यकीन हो गया कि यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। क्या कह रहे, रेव करके दिखाओ, क्या फ़ायदा रेव करने का, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम भी पहली बार बाइक देखते थे ना, या हमने जब नई नई बाइक खरीदी थी 800 थी, मेरे को मन होता था रेव करूँ, लेकिन अभी ऐसा होता है कि मत करो। इंसान धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है ना, जैसे जैसे यूज टू होता रहता है तब समझ आती है। देखो वैसे इतनी गर्मी है और बीच पे ना और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब एकदम धूप चुभती है। ये थोड़ा मिट्टी वाला एरिया है, दोनों पैर नीचे लगा लेता हूँ। चलो जी चलो, पहुँच के बाहर रोड पे, अब थोड़ी बाइक चलाएंगे ना तो सही लगेगा, टी शर्ट पूरी भीग चुकी है दोबारा से। ये देखो लेफ्ट साइड में ग्राउंड देख रहे हो, कोई गाड़ी सीख रहा है, कोई स्कूटी सीख रहा है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है ना, ऐसे ही हमारे पंजाबी बाग में भी ग्राउंड है। अब हम कह सकते हैं कि हम द्वारका से निकल रहे हैं, ये रहा हमारा होटल, जाम रुके थे, पीछे विंड मिल चल रहा था ना, सोचा था यहाँ ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत थी, तो ये हमारा होटल। अब होटल से निकल रहे हैं और टाइम बताऊँ आपको 6:36। अब अपने को 150 किलोमीटर चलाना है, 100 किलोमीटर की राइड हम कर चुके हैं, 50 गए, 50 आए, 150 और चलाना है। मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे तक ही पहुँच पाएंगे। देखो भाई सीन ऐसा है कि कैमरा साफ नहीं है। हाँ देखो भाई सीन ऐसा है, हमारा रूल है इस राइड पे हर 20 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेना, डेढ़ घंटे का। ये अभी मैं पीछे कह रहा था ना, ये रहा हमारा होटल, अब असली राइड स्टार्ट हुई है, 150 किलोमीटर जाना है, गोली की तरह पहुंच जाएंगे। वहां से आए हैं हम 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पे हमने लगाई है ब्रेक, कोई मॉन्स्टर पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई मोबाइल में रील देख रहा है, कोई रेडबुल पी रहा है। लाओ मेरे को भी चाय दे दो, जब बैठे ही हैं तो रील देख रहा हूँ। एक सेकंड एक चीज दिखाता हूँ, अभी सबसे मेन चीज दिखा रहा है ये, आप देखोगे तो आप बोलोगे वाह भाई वाह। जलन किसे कहते हैं? जलन जलन हाँ। दिखाओ जलन, फोटो मैंने खींच लिया, सबको दिखाऊंगा, उसके बाद डिलीट कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ये बात बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, इसी बात पे करेंगे हम चीयर्स। चीयर्स चीयर्स मेरे दोस्त। चलो सही है, अब आधे पौने घंटे का ब्रेक लेंगे, उसके बाद चलेंगे, थोड़ा अंधेरा हो जाए ना, दिन में चलाई नहीं जा रही बाइक भाई। दोनों सब देख लो ठीक है, अब डिलीट कर दो। लो जी निकलने का टाइम, और टाइम बताऊं 8:15, अभी यही खड़े हुए थे। अभी सीन क्या हुआ ना, बाइक कितने का है? बाइक 22 लाख का। हाँ ये 30 लाख का। हाँ हाँ, तो यहाँ खड़े हुए थे, और जब मैं हेलमेट का वाइजर चेंज कर रहा था ना, ब्लैक को उठा के व्हाइट लगा रहा था, तो वाइजर में ना दोनों तरफ पेच होते हैं, एक पेच गिर गया भाई ब्लैक वाला,
पूरा ढूंढ लिया यहाँ पर, देख रहे हो मिट्टी पूरी हिली हुई है, पूरा ढूंढ लिया भाई एक घंटे तक सारे भाइयों ने, लेकिन वो पेच नहीं मिला। अब वो पेच नहीं मिला, वो देखो अभी भी ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा छोड़ दे। तो वो पेच नहीं मिला, उसके बाद हमने क्या किया, ब्लैक वाले वॉयदर का पेच उतारा, व्हाइट वाले में लगाया। अब क्या होगा, पूरे रास्ते यही करना पड़ेगा। अब जब ब्लैक वाला सुबह लगाना होगा तो व्हाइट वाले वॉयदर में से वो पेच निकालेंगे, इसमें लगाएंगे, काम बढ़ गया। देखते हैं जामनगर जा रहे हैं, अगर वहाँ से वो पेच मिल जाए ना, बिल्कुल छोटा पेच होता ना मोबाइल वाला, वैसा पेच था, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो जयराम जी की। इंटरकॉम ऑन करता हूँ, चलो चलो चलो। हाँ 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 चलो जी, लेट्स गो। पूरी फैमिली खड़ी हुई है हमें देखने के लिए। अच्छा ये वाले ब्रिज के नीचे से जाना है, ठीक है, डन है डन है, चलो बाय बाय। चलो अब तो अंधेरा हो गया, क्या ही मोटर ब्लॉक करेंगे। मैंने सोचा था कि आधा घंटा का आराम करके निकल जाएंगे, आराम भी क्या करना था, पानी वानी पीना था। मौलिक भाई पीछे रह गए, तो उनको कुछ काम था तो रुके थे, लेकिन आधे घंटे का दो घंटे हो गए बैठे बैठे, डेढ़ घंटा तो पेच ही ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं। कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना ही है, कोई टाल नहीं सकता उसको। चलो लेट्स गो। जब हम लोग आए थे ना इस ब्रिज के ऊपर से आए थे, लेकिन अभी यही वाला रूट नहीं लेना हमने, पूरी राइड में ना सेम रूट कहीं पर भी नहीं लिया, सारा रूट अलग है, जहाँ से आए वहाँ से जा ही नहीं रहे। अब इसके नीचे से या तो लेफ्ट होंगे या राइट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीधा नहीं जाना अपने को। चलो बाय बाय, अपने एल पी भाई जा रहे हैं, हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे और ये सीधा निकल जाएंगे, ये हमें ब्रिज के नीचे तक छोड़ने आया है। वो लिफ्ट मांग रहा है, वो पीछे कहाँ बैठेगा, सीट ही नहीं है। ओ यहाँ लिखा हुआ बोर्ड लगा भाई, जामनगर 114 किलोमीटर, राजकोट 205। राजकोट नहीं जाना अपने को, देखते हैं दिल्ली कौन से रास्ते से निकलेंगे, राजकोट होते हुए या कहाँ से। चलो जी चलो। तो अभी क्या सीन है, रोड पे रोशनी तो कम है, भूसा की लाइट भी ठीक है लेकिन इतनी सफिशियंट नहीं है रात को चला पाऊँ, तो अपने रुद्रा साथ साथ ही जा रही है, रोड एकदम खाली है, रोड भी बढ़िया है, तो उसी स्पीड के हिसाब से चला रहा हूँ, वो रोशनी मार रहा है और मैं देखता हुआ जा रहा हूँ। सुबह से खड़े हो, क्यों खड़े हो, लेकिन मैंने तो लेकिन मैंने तो कहीं बोला ही नहीं था इंस्टाग्राम पे कि मैं निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे हो, ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो खींचो, हमें निकलना है आगे। हाँ खींचो ना। लो जी लो, स्वागत है आप लोगों का जामनगर में, और टाइम आपको बताऊँ 9:27, मैंने यही बोला था 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से पहुँच गया, सीधा जाएंगे अपने होटल। भाई दूध का डोलू चाहिए क्या तेरे को? कितने सारे टांगे हैं भैया ने, पैनियर है भैया के, पैनियर, हम पैनियर टांग के अपने काम पे निकलते हैं, भैया अपने काम पे निकले हुए हैं। थोड़ा बहुत तो जाम है यहाँ पर, अरे लेफ्ट मुड़ना अपने को, चलो 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 मुड़ गए। जामनगर के अंदर थोड़ा बहुत तो जाम है, लेकिन मौलिक भाई तो कह रहे जामनगर की रोडें खाली रहती हैं, इतना रश ही नहीं है, छोटा सा शहर है, हमें तो घुसते ही जाम मिल रहा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। चलो बाइक लगा दी पार्किंग में और बाइक चल चुकी है 850 किलोमीटर, और अगर अपने को यहाँ से दिल्ली चला के लेके जानी है जो कि है करीबन 1300 किलोमीटर, 1300-1400, तो अपने को यही सर्विस करवानी पड़ेगी। तो पता करते हैं सुजुकी का अगर शोरूम है, तो वैसे हमारा प्लान था कल दिल्ली निकल जाएंगे, देखते एक बार रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं। ओ भाई साहब टकरा रहा ऊपर दीवार से, कितनी नीचे है। ये देखो भाई, ये होती है भाई बंदी, अभी एंटर करे रिसेप्शन पे खड़े हुए, ये पहले आ गए। तुम्हें क्या बाइक की आवाज आ गई थी? नहीं नहीं, क्या फोन आ गया मौलिक भाई का? अच्छा मौलिक भाई का फोन आ गया, अरे रिसेप्शन पे पहुंचे बाइक लगा के बस ऊपर। ये सामने से अंदर, चलो बढ़िया है, कार्ड वार्ड लेते हैं फिर रूम में चलते हैं। पार्टी दे रहे हो ना आज जामनगर आने की? पक्की बात है? पक्की पक्की। लो भाई वो रहा हमारा रूम, मौलिक भाई जा रहे रूम खोलने, और ये देखो भाई यहाँ तो जिम है, लेकिन समीरन इस पे क्लोज क्यों लिखा हुआ है? अच्छा दरवाजा बंद है, ओके ओके चलो ठीक है, आते हैं अभी एक्सरसाइज करने, ठीक है ना भाई? आमिर बोल फोर्थ फ्लोर पे आ जाए। हां भाई फोर्थ फ्लोर भाई, यहां हम ना फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट क्रिकेट इतना खुला, हां यहां हम क्रिकेट खेल सकते हैं, चलो खेल लेते हैं। कहां है बैट बल्ला? सो दिस इज आवर रूम, और घुसते ही पहले देख लो बाथरूम, उसके बाद दिखाएंगे रूम। ओ भाई रूम तो अच्छा है, मेहमान बैठाने के लिए सोफा भी है, केला है, फ्रूट्स है, ये फ्री है ना? और ये शीशा है, हाँ पैसे नहीं है हमारा ही है, पैसे रख के छोड़ दो को। हेलो एकदम सही सलामत फर्स्ट क्लास पहुँच गया है। बाहर का व्यू क्या दिख रहा है भाई? काले शीशे हैं इसमें तो हम दिख रहे हैं।
तो भाई अभी एक छोटा सा सीन हो गया। सीन क्या हो गया ना, जो हमारी बाइक में एग्जॉस्ट लगे ना ऑस्टिन रेसिंग, वो एक्चुअली हमारे नहीं थे, वो किसी के थे और वो अभी वापसी जा रहे हैं। अभी दुविधा ये है, जो मेरे ओरिजिनल वाले थे ना, वो बड़े वाले, वो मैंने ट्रक में रखवा के वापसी भेज दिए थे आगे लिफ्ट। तो अभी जिनके एग्जॉस्ट हैं उनको वापसी देने, क्योंकि अपना प्लान आगे घूमने का नहीं था, दो दिन का ही प्लान था, तो वो एग्जॉस्ट वापसी जा रहे हैं। अब अपनी बाइक में लगाएंगे क्या, थोड़ी दुविधा वाला सीन हो गया, लेकिन ठीक है। सबसे पहले एग्जॉस्ट उतारने, वो कोरियर करने, वो जाने दिल्ली। सोच रहा हूँ बाइक भी भेज दूँ क्या साथ में? नहीं कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। लो भाई एक एग्जॉस्ट तो खुल चुका है, अभी ये भी खुल जाएगा। क्या का एग्जॉस्ट, ये रमोली भाई लेके खड़े हुए हैं, ये जा रहे हैं वापसी, बाय बाय। और अब नया क्या आया, जो कि उस पेटी में पड़ा हुआ है। अब इस पेटी में कौन सा एग्जॉस्ट है खोल तो हम अभी रहे हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा एग्जॉस्ट है, अभी नहीं बताने वाले, कुछ सरप्राइज सरप्राइज खेलते हैं ना। ये लो भाई ये वाला ऑस्टिन रेसिंग पैक हो रहा है, एक ये रहा भाई के हाथ में, दोनों पैक करके दिल्ली रातों रात दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये हमारे कोरियर वाले भाई आ गए हैं, पैक कर रहे हैं सारा सामान। ये देखो भाई मिले, और भाई ने हमारे वाला ही वॉलपेपर लगा रखा है, बढ़िया लग रहा है ये। सही है, मस्त एकदम। लो जी लो, हम लोग बैठ गए एडिटिंग पे, बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। आमिर फ़ोन पे ये कार्ड डीटर लेके घूम रहा है गोप्रो का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सब के सब अपने काम पे बैठ गया है, डिनर मंगा लिया, डिनर आएगा, खाएंगे, सो जाएंगे, और कल अपने को बाइक की सर्विस करानी है। देखते कैसे करवाएं, कैसे मैनेज करें, क्योंकि बिना सर्विस कराए आगे चले जाएंगे। तो अभी 850 चल चुके, 850 900 1400 और चलेगी, तो करीबन करीबन 2500 हो जाएगी। 2500 बहुत ज़्यादा होता है, पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पर होती है। अपने मौलिक भाई भी आ चुके हैं। मौलिक भाई काम कम्प्लीट? नहीं अभी वो आ रहा है बंदा। अच्छा, वो जो पाना था ना एलएम की, वो नहीं मिल रहा है, ओके लेने के वापस आ रहे हैं 5 मिनट। चलो ठीक है, बाकी होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। यहाँ तक आपने देख लिया, कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय, चलो गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।